अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द हनियास टेक्निकल चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है अपने तमाम यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। यूं समझे कि आपकी वीडियो को वायरल करने का बटन दे दिया है। तो अब अगर आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। सो गाइज, ये इतनी बड़ी अपडेट है कि आप एक एक दिन में अपने 10-10, 20-20 सब्सक्राइबर निकाल सकते हैं और ये अपडेट आपको यूट्यूब खुद दे रहा है। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि ये अपडेट ऐसे ही नहीं मिलेगी, इस अपडेट को हासिल करने के लिए आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों को इस वीडियो में ही बताऊंगी। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस अपडेट की, इसके बाद आपको इस अपडेट के लिए अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो फ्रेंड, फिलहाल के लिए ये जो अपडेट है ये इंग्लिश कंटेंट के लिए प्रोवाइड की गई है, लेकिन टाइम टू टाइम हर लैंग्वेज को ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी को तो लाजमी ही मिलेगी। तो हम अपनी वीडियो को इजीली उर्दू टू हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आपने वीडियो की सेटिंग में जाकर अपनी लैंग्वेज को उर्दू से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, ये तो इजीली हो जाएगा, इसका मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये टेस्टिंग के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वालों को दी गई है। सो गाइस, जो जितनी जल्दी इस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा उसे ये अपडेट उतनी ही जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइक मैं तो अप्लाई कर चुकी हूँ। सो गाइज, यूट्यूब की जो ये अपडेट है इसके लिए मैंने काफ़ी सर्चिंग की है, काफ़ी देखा है, और मुझे ये लगा है कि यूट्यूब आज से पहले इतनी बड़ी अपडेट कभी नहीं लाया। सो गाइज, अब इस अपडेट में है क्या? दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब का ये कहना है कि आपकी वीडियो, फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो किसी स्पेनिश बंदे के सामने आ जाती है, मैं तो हिंदी बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, उसको क्या समझ आएगी? सो गाइज, इसके लिए यूट्यूब ने एक बटन दे दिया है। कोई अगर स्पेनिश बंदा है तो वो सेटिंग्स में क्लिक करेगा तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक के ऊपर वो क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी लैंग्वेजेस खुल जाएंगी, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, इंडोनेशियन, हिंदी वगैरह वगैरह। सो गाइज, अगर उसकी लैंग्वेज स्पेनिश है तो वो स्पेनिश में क्लिक करेगा तो मैं ही बोल रही हूँ, बात भी मैं ही कर रही हूँ, टोन भी मेरा, एक्सेंट भी मेरा, लेकिन ये जो बोलने वाली जबान है, ये जो या मैं उर्दू या हिंदी में बोल रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्पेनिश में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बंदा अब मेरी बात स्पेनिश में सुनेगा। मतलब कि अब मेरा कंटेंट अमेरिका में भी चल सकता है, इंग्लैंड में भी चल सकता है, स्पेन में भी चल सकता है, रशिया में भी चल सकता है, हर जगह पे चल सकता है। गाइस, ये जो मैं बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा कंटेंट कहाँ देखा जाएगा? पाकिस्तान में देखा जाएगा या ज्यादा से ज्यादा हद मार ली इंडिया में देखा जाएगा। लेकिन अब मेरा कंटेंट जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ भी देखा जाएगा, जहाँ रशियन बोली जाती है वहाँ भी देखा जाएगा, जहाँ डच बोली जाती है जर्मनी में वहाँ भी सुना जाएगा। तो मतलब कि रीच इतनी बढ़ा देगा यूट्यूब। फ्रेंड्स, जहाँ तक देखा जाए हर यूट्यूब क्रिएटर को यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी वीडियो की रीच नहीं बढ़ रही, हमारी वीडियोज यूट्यूब आगे नहीं लेके जा रहा। तो फ्रेंड्स, आगे वो कहाँ लेके जाए? हमारे टॉपिक ही ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड लोगों ने देखने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा बाहर ये चीजें लोगों ने देखनी होती है, लेकिन बाहर वालों को तो हमारी जबान समझ में नहीं आती, हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो अब वो फ्रेंड्स बटन दबा के अपनी जबान में हमारी वीडियो सुनेंगे। सो गाइज, मैं कहती हूँ कि जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ या यूट्यूब जब से मैं यूज कर रही हूँ, जब से मैंने चैनल क्रिएट किया, तो अब तक ये सबसे बड़ी अपडेट थी। ये काम कैसे करेगी एप्पल आप लोगों को ये दिखा देते हैं। उसके बाद इस अपडेट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है कि ये अपडेट आप लोगों को भी मिले। इसका मतलब मिलने का क्या मतलब है? मिलने का मतलब जब आपकी वीडियो भी किसी के सामने जाए तो उसके अंदर भी ये ऑडियो ट्रैक वाला ऑप्शन हो, ताकि लोग अपनी लैंग्वेज के मुताबिक आपकी वीडियो सुन सकें। तो फ्रेंड्स, ये सबटाइटल की बात नहीं करी, टोटली वीडियो डब हो जाएगी आपकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्तुगरुल का ड्रामा टर्किश में है, लेकिन आप देखें हम उर्दू में सुन रहे होते हैं। सो सेम वैसे ही। तो आएं जरा, मैं आपको पहले लाइव डेमो दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करने का भी तरीका बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, इसके लिए आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है अलाउड AI। जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइज, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूट्यूब यूज करने के लिए जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने इसने कहा हुआ है डब एनी वीडियो इनटू इंडोनेशियन, हिंदी, स्पेनिश वगैरह वगैरह। मतलब कि जो मर्जी लैंग्वेज हो उसमें आपकी वीडियो को ये कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा? अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप लोगों को इसने एक डेमो दिया हुआ है। अब डेमो जरा चेक करें, अब आप डेमो जरा चेक करें कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए जरा, ओरिजिनली किस में है? इंग्लिश में है। अब इसने इसको स्पेनिश में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, सुने जरा। De inmediato, Antonio corrió hacia Brindis y para recuperar el control de la situación. ओके, अब जरा इसको हम चेंज करते हैं और हिंदी में करते हैं। तो फ्रेंड्स जरा सुने, इसको जरा प्ले करते हैं। रोम भी छोड़ दिया और सिजीरियन के पुराने सिपाहियों को अपने बैनर में शामिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशियन में करके देखते हैं, यही वीडियो है। Dia menawarkan hadiah besar dan dalam waktu singkat pasukannya berjumlah ribuan. ठीक है, आप लोगों के सामने यही वीडियो चल रही है, आप खुद भी प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन जो है ये आपकी वीडियो में आ जाएगा, कि जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो उस लैंग्वेज के अंदर जो है आपकी वीडियो को सुनेगा। अब आप यहाँ पर जरा नीचे आए और ये देखें, इंग्लिश को हिंदी में डब किया हुआ है। अब जरा ये सुने।
अब ये अंग्रेज है और क्या बोलेगा। मार्केट रिसर्च आपके बिजनेस प्लान को आकार देने में पहला जरूरी चरण होता है। तो फ्रेंड्स देखें, आपके एक्सेंट भी वही रखा है, आपकी पिच क्वालिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का अंदाज भी वही रखा है, लेकिन क्या है कि उसको डब कर रहा है ऑटोमेटिकली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। चेक करें, ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बोल रहे हैं। एक्सेंट भी वही है, आवाज की क्वालिटी भी वही है, पिच भी वही है, लेकिन क्या है कि जबान चेंज है, इसको डब कर दिया है। ठीक हो गया। अब अगर इसके लिए आप अपने चैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है गेट अर्ली एक्सेस। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों ने अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपसे ये कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पर ईमेल दे देना है जिसमें आपसे ये कॉन्टेक्ट करें। आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल खुद टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पाकिस्तान अवेलेबल है, बिल्कुल पी पे क्लिक करें, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने चैनल का लिंक देना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी चैनल वाली ईमेल देनी है। ऊपर आप लोगों ने वो ईमेल दिया था जिसमें आप लोगों के साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने चैनल वाली ईमेल देनी है। अगर दोनों ईमेल आपके पास सेम है तो आपने सेम पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आ जाएं टाइप ऑफ कंटेंट यू प्रोड्यूस। मैंने तो एकेडमिक किया है, अब आप देख लें आप लोगों का किस कैटेगरी में आता है। अब ज़्यादातर जो है वो व्लॉग फ्रेंड्स हैं, तो वो किस कैटेगरी में डालेंगे अपना, तो वो एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा नीचे आएँ कि आप लोग ये क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने तो ये सेलेक्ट किया है आई वॉन्ट टू हैव अ ग्रेटर रिच। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने तो ये सेलेक्ट किया था, तो आप भी देख लें यहाँ पर आप लोग कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आप नीचे आएँ, यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है, यहाँ आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, एंड देन आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अर्ली एक्सेस के लिए आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और आप लोगों को ईमेल आ जाएगी जब आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो ये थी जनाब आज की अपडेट, होप सो हम सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक इस अपडेट के बारे में लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।